अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं वीट फॉर बादाम हरीरा। इसके लिए लिया हमने 1 कप आटा, 15 से 20 काजू 15 से 20 बादाम, 1.5 कप हम लेंगे शुगर, 1 टेबल स्पून हम लेंगे प्योर घी, 1/2 टीस्पून हमने लिया है नमक और 500 ml हमने लिया है मिल्क। मिल्क को हम गर्म कर लेंगे और काजू और बादाम को हम दरदरा कूट लेंगे। देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारे काजू बादाम भी रेडी हो गए हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। घी थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे काजू बादाम। थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए हमारे काजू बादाम थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, वीट फ्लोर। अब हम इसे थोड़ा सा गोल्डन होने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह चलाते हुए हमें आटे को भून लेना है। देखिए हमारा आटा भी अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने मिल्क बॉईल करके रखा था वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम सारे मिल्क को डाल लेंगे और इसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। दूध मिलाते समय हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 500 ml पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप शुगर। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। अच्छे से गाढ़ी कंसिस्टेंसी होने तक हमें इसे चलाना है इसी तरह ताकि इसमें लम्स ना बने। देखिए इस तरह से गाढ़ी कंसिस्टेंसी होने तक हमने इसे पका लिया है। चलिए अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हमें इसे सर्व कर लेंगे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बहुत ही हेल्दी है। ये नाश्ते में ज़रूर बनाएं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।